बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, आप सभी को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं अपने श्री मुख से अपने प्रिय भक्तों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैं सदा अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, ताकि उनकी चरण रज मुझ पर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भक्त वंदना के अंतर्गत कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों की उसी प्रकार रक्षा करते हैं जिस प्रकार माता अपने नन्हे शिशु का पालन करती है। भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। भक्त ही भगवान के साकार रूप है। भगवान की शक्ति पूर्ण रूप से भक्त के शरीर में ही विकसित होती है। भक्त साक्षात भगवत स्वरूप है। उनकी चरण वंदना करने से सब प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण समाधि में बैठे थे, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास पहुँचे। वे बहुत देर तक हाथ जोड़े प्रतीक्षा करते रहे। थोड़ी देर बाद भगवान ने नेत्र खोले तो धर्मराज ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, प्रभु मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आप किसका ध्यान कर रहे थे, क्योंकि सर्व जगत और ऋषि महर्षि सब आपका ध्यान करते हैं। धर्मराज की शंका को सुनकर भगवान हंसे और बोले, धर्मराज यह ठीक है कि सर्व जगत मेरा भजन करता है, किंतु मेरे भी भजनीय भक्त हैं। मैं सदा भक्तों का ध्यान करता हूँ। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव अपने परम प्रिय शिष्य को चाहते हैं, जैसे भगवान भक्त को प्यार करते हैं। जब श्री महाराज जी कानपुर में विराजमान थे, तो उस समय श्री सतगुरुदेव जी ने स्वामी निजात्मानंद जी को पश्चिमी पंजाब में जाकर अज्ञान अंधकार में भटके हुए प्राणियों को ज्ञान प्रकाश देकर जगाने की कल्याणकारी आज्ञा प्रदान की थी। श्री चरणों से विदा होकर स्वामी निजात्मानंद जी कानपुर से गाड़ी पर सवार हुए। वियोग दुख के कारण उनका ध्यान श्री चरणों में ही युक्त था। मार्ग में जहाँ गाड़ी बदलनी थी, वहाँ गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी पकड़ी। इस प्रकार 8 दिन निरंतर यात्रा करते हुए स्वामी जी मंडी चक झुमरा जिला लायलपुर पंजाब में आकर गाड़ी से उतरे। यह पहले से स्वामी जी का कोई परिचित भी नहीं था, किंतु महापुरुषों की मौज बड़ी विचित्र होती है। अब विचार कीजिए, वह कौन सी प्रेरणा थी जो उनको कहां से कहां ले आई। इस अक्षेत्र के जीवों ने किसी समय शुभ कर्म किए होंगे, जिनके फलस्वरूप श्री महाराज जी की आज्ञानुसार स्वामी जी यहाँ पधारे। स्वामी जी बहुत विरक्त रूप में रहते थे। आपके स्वभाव के अनुकूल ही आपकी वेशभूषा भी बड़ी सीधी सादी थी। श्री महाराज जी के समान आप भी रुपये पैसे को नहीं छूते थे। कुछ दिन चक झुमरा मंडी के एक मंदिर में विराजमान रहकर श्री स्वामी जी अपनी मौजवश वहाँ से पक्की सड़क पर चल पड़े। एक दिन जिन्योट जिला जंको जाने वाली सड़क पर चल दिए। पैदल चलते चलते श्री स्वामी जी खिचिया गांव में आ पहुँचे। कुछ दिन उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को वहाँ समान रूप से निष्पक्ष सत्संग सुनाया, जिससे वे लोग अत्यंत प्रभावित हुए। एक दिन स्वामी जी खिचिया से चलकर साथ वाले गांव
चक नंबर 14 कराड़वाला में पहुँचे। वहाँ आपने एक गुरुद्वारा अर्थात धर्मशाला में निवास किया। पंजाब में उन दिनों प्राय गुरुद्वारों को धर्मशाला कहा जाता था। गुरुद्वारा का प्रबंधक एक धनी व्यक्ति था, किंतु वहाँ का पुजारी बड़ी ही संशयवृत्ति वाला था। उसने स्वामी जी को प्रबंधक के घर से रात को भोजन लाकर हाथ पर ही दे दिया, कोई थाली और अन्य दूसरा कोई बर्तन भी नहीं दिया। उन दिनों स्वामी जी विशेष साधन अवस्था में थे। आपका त्याग भी बहुत अद्भुत था। आप केवल एक चोला और धोती ही पहनते थे, शीश पर तौलिया रखते थे, हाथ में एक छड़ी और बगल में एक पुस्तक होती थी। इस प्रकार पूर्ण विरक्त रूप से आप भ्रमण करते थे। ऐसा महसूस होता था कि स्वामी निज आत्मानंद जी भी अपने सतगुरु देव जी की आज्ञानुसार ऐसे ही दिन व्यतीत कर रहे हैं। उन दिनों आपका शारीरिक स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा था। आपने उसी रूप में खा लिया और उसी रूप में उठकर कुएं से जल पी लिया। रात को पुजारी ने इस विचार से कोई कपड़ा अर्थात बिस्तर इत्यादि न दिया कि कहीं लेकर न भाग जाए। स्वामी जी श्री महाराज जी के गुणानुवाद गाते हुए एक चटाई पर ही लेट गए। संसार में अपना विचार ही सज्जन और अपना विचार ही दुश्मन है। लोहड़ी का दिन था, सर्दी काफ़ी थी, किंतु स्वामी जी ने उसी अवस्था में रात बिता ली। दूसरे दिन माघ मास की शुभ मकर संक्रांति थी। गांव वाले अपने नियम अनुसार गुरुद्वारा में आए तो उन्हें पता चला कि कोई बाबा जी वहां पर आए हुए हैं। तब उन्होंने स्वामी जी से सत्संग करने की प्रार्थना की। स्वामी जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में से वाक्य लेकर अपने प्रेम भरे वचनों से उनकी व्याख्या की, जिससे सुनकर वे लोग मंत्र मुग्ध से हो गए। सत्संग की समाप्ति पर कुछ प्रेमी दर्शन के लिए आए और पूछा, स्वामी जी आप रात को यहाँ आए हैं, आपको चारपाई और बिस्तर इत्यादि तो किसी ने दिया न होगा, सर्दी काफ़ी थी, आपने किस प्रकार निर्वाह किया होगा। हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम अब आगे आपकी सेवा से वंचित रह गए। उन प्रेमियों के सहानुभूति भरे वे वचन सुनकर श्री स्वामी जी बोले, भाई तुम लोग अभागे नहीं हो, आप तो सौभाग्यशाली हो, जिनके लिए हम न जाने कहाँ से अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार आए हैं। रही सर्दी लगने की बात, तो रात को सर्दी आई थी, परंतु जब उसने देखा कि यहाँ गर्मी है तो वह लौट गई, क्योंकि सर्दी तो हमारे पास पहले से ही थी, इसलिए सर्दी ने सर्दी को क्या कहना था। स्वामी जी के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर वे सब लोग प्रेम रूप हो गए। तब वे लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाए, साथ ही उन्होंने एक चारपाई और नए बिस्तर का भी प्रबंध किया। स्वामी जी ने खाना देखा तो अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन एक चांदी के बड़े थाल में परोसे हुए थे। अपने मन से संबोधित करते हुए कहा, ले भाई यदि तू इन वस्तुओं का भूखा है तो मालिक ने भेज दी है, किंतु मन तो कभी का मालिक के चरणों में अर्पण हो चुका था, अब उसने कौन सा संकल्प उठाना था। उन्होंने सच्चे दिल से अपना मन इष्ट देव भगवान के चरण कमलों में अर्पण कर दिया था। उनको यह मन नहीं सताता। स्वामी जी ने नियम अनुसार थोड़ा सा भोजन अलग निकाल कर खा लिया और बाकी सब सामान लौटा दिया। जब स्वामी जी वहाँ से विदा होने लगे तो उन लोगों ने बड़े प्यार से कुछ धन और वस्त्र भेंट किए। स्वामी जी बोले, भाई हमने तो जीवन भर पैसे को न छूने का प्रण कर रखा है,
और हम इन तीन वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई वस्त्र अपने पास नहीं रखते। ये सब वस्तुएं लेकर हम क्या करेंगे? उन प्रेमियों के बहुत मजबूर करने पर स्वामी जी ने अपने सिर वाला तौलिया उनको दे दिया और उनसे एक तौलिया लेकर सिर पर ओढ़ लिया। एक दिन स्वामी जी खिचिया गांव से अपने नियम अनुसार शाम को सैर करने को निकले। वहां साथ वाले गांव रसोई वाला का एक निवासी एक भक्त अपने खेत में चारा काट रहा था। उसने स्वामी जी को प्रणाम करके प्रार्थना की, हम दासों को सामने वाले गांव में दर्शन देने की कृपा करें। उस प्रेमी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए स्वामी जी ने दूसरे दिन खिचिया से चलकर एक कोस की दूरी पर स्थित रसोई वाला गांव में पहुंच गए। जब आपने उस भक्त का पता पूछा तो पता चला कि वह कहीं बाहर गया हुआ है। अब आप सामने बाजार में पड़ी हुई चारपाई पर बैठ गए। एक सन्यासी बाबा को इस प्रकार बैठे देखकर एक दुकानदार श्री वल्ली राम जी कक्कड़ ने दूर से ही आवाज देकर आपसे पूछा, महाराज जी आप कौन हो और कहां से आपका आना हुआ है? इस प्रकार के वचन सुनकर स्वामी जी हंसकर बोले, हम डाक तार महकमे के नौकर हैं। यह सुनकर भक्त वली राम कुछ डर सा गया। गांव के लोग भोले भाले होते हैं। उसने मन में सोचा कि ये सरकारी कर्मचारी है, किंतु कपड़े तो भगवे पहने हुए है, कहीं कोई हमारी सरकार से शिकायत न कर दे, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह भक्त भी आ गया और बड़े आदर पूर्वक उसने आपको घर ले जाकर सेवा की और रात को स्वामी जी ने सत्संग शुरू किया, जिसमें उस गांव के सभी दुकानदार भी सम्मिलित हुए। भक्त वल्ली राम भी आया। स्वामी जी को सत्संग करते देख वह बोला, महाराज आप तो कहते थे कि हम डाक तार महकमे के नौकर हैं, परंतु आप तो महात्मा हैं। उसकी बात सुनकर स्वामी जी बोले, हमने आपसे झूठ नहीं कहा था। महापुरुषों ने पुस्तक रूप जो पत्र लोगों को भेजे हैं, क्या वे आपको मिले हैं? यदि मिले हैं तो क्या आपने उनको पढ़ा है? किंतु उन ग्रंथों को पढ़कर आप उनके अनुसार अपना व्यवहारिक जीवन नहीं बना सके, इसी बात की पड़ताल करने के लिए हम आए हैं। स्वामी जी के इन रहस्य भरे वचनों को सुनकर वह प्रेमी चकित हो गया और फिर रोज स्वामी जी के सत्संग में सम्मिलित होकर लाभ उठाने लगा। कुछ दिन बाद सथोई वाला के काफी प्रेमी स्वामी जी से शब्द उपदेश धारण करके गुरु महाराज के दरबार की सेवा करने लगे। तो ऐसे मेरे सतगुरु देव भगवान, जिन्होंने किसी न किसी रूप में आकर या किसी न किसी को भेजकर हम भक्तों पर एक असीम कृपा की है। तो सतगुरु प्रेमियों, वो मालिक बड़ा दयालु है। ऐसे मेरे सतगुरु देव अपने भक्तों पर कृपा की छाया बनाए रखते हैं। ऐसे मेरे गुरु महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे श्री गुरु महाराज के चरणों में विनती है कि आप सतगुरु प्रेमियों पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो जय सच्चिदानंद।